हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आई होप एवरी विल बी ओके। ये बेसिकली हमारा जो जून में करंट अफेयर वेस जो हम प्रीलिम्स का कवर कर रहे थे, 5-5 क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, ठीक है? क्योंकि 25-26 के 25 जून के 5 क्वेश्चन और 26 जून के 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, ठीक है? सारे क्वेश्चन UPSC न्यू पैटर्न पे हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान योजना, ठीक है? ओके, तो देखिए, द स्कीम हैज टेकन टू क्लोजर टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि थर्ड वाला, ठीक? थर्ड सस्टेनेबल गोल, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ठीक? द स्कीम प्रोवाइड हेल्थ कवरेज 5 लाख पर पर्सन ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटल, नहीं, 5 पर पर्सन नहीं है, 5 लाख पर फैमिली है, ठीक है? ये फैमिली है, ओके। द स्कीम डज नॉट प्रोवाइड इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी। अब देखिए, इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी समझ लीजिए, मान लीजिए आप यूपी के रहने वाले हैं, ठीक, और आप कहाँ चले गए? बिहार में, ठीक, आप बिहार में चले गए, तो मीन्स तो ये स्कीम यहाँ भी अप्लीकेबल होगी, एज अ आप क्या है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, तो वहाँ भी आपको बेनिफिट मिलेंगे। जैसे PDS सिस्टम होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, आप बिहार में रह रहे हैं, बिहार के हैं लेकिन आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो भी आपको राशन मिलेगा, ठीक, समथिंग लाइक दैट। तो इसमें ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक, मूव ऑन। सेकेंड देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पब्लिश बाई नीति आयोग, नॉट ए UNDP, ग्लोबल वाला नहीं, जो नीति आयोग ने बेसिकली पब्लिश किया उसके बारे में बात करनी है, ठीक। देखिए, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स एंड UNDP आर टेक्निकल पार्टनर इन द फॉर्मुलेशन ऑफ MPI, यानी कि ये टेक्निकल पार्टनर, इन्होंने टेक्निकल असिस्टेंट दिया इंडिया के MPI को फॉर्मेशन के लिए, जो किसने बनाया? नीति आयोग ने। इंडियाज MPI एग्जैक्टली सेम एज ग्लोबल MPI, नहीं, इंडिया के जो बेसिकली ग्लोबल वाले में कितने हैं? 10 इंडिकेटर हैं और इंडिया वाले में 12 इंडिकेटर हैं, ठीक। इंडियाज ट्रेडिशनल ऑफिशियल वे ऑफ एस्टिमेशन पॉवर्टी, नहीं, पॉवर्टी कौन देता है? सेंट्रल स्टेट और स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये पॉवर्टी लाइन रिलीज करता है, ठीक। तो यानी कि इसमें भी ओनली वन स्टेटमेंट, यानी कि MPI बेसिस नहीं है इंडिया में, कह सकते हो कि ऑफिशियल वे ऑफ एस्टिमेटिंग पॉवर्टी, ठीक, तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, मूव ऑन। द नेशनल MPI जो अभी हमने डिस्कस किया, मेजर ड्राइव्स डिप्राइवेशन 3 डायमेंशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, स्टैंडर्ड लिविंग। विद इन हेल्थ, हेल्थ में कौन कौन से कवर करता है, यानी कि देखिए तीन में होता है ये, ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो विद इन हेल्थ में कौन कौन से आते हैं, देखिए, चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल न्यूट्रलिटी और न्यूट्रिशन, ठीक। तो दीज आर 3 कम्स अंडर बेसिकली हेल्थ में, तो ओनली 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मदन लाल ढींगरा, ये बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ओके। देखिए, मदन लाल ढींगरा वाज इंडियन रिवोल्यूशनरी हु असैसिनेटेड कर्जन बायली, बेसिकली ये इंग्लैंड में पढ़ रहे थे और इन्होंने इंग्लैंड में ही कर्जन बायली का असैसिनेशन कर दिया था, क्योंकि ये रिवोल्यूशनरी थे, ठीक है, कृष्णलाल शर्मा और बी डी सावरकर से ये इंस्पायर होके इन्होंने जो भारत बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन था उसको ज्वाइन करके रिवोल्यूशनरी बन गए और कर्जन बायली का असैसिनेशन कर दिया, ठीक है। ही बिकेम मेंबर ऑफ सीक्रेट अभिनव भारत सोसाइटी या अभिनव भारत मंडल, दिस इज करेक्ट। ही अपोज द आइडिया ऑफ विनय दामोदर सावरकर या सामाजिक कृष्ण वर्मा, तो नहीं, इन्हें सपोर्टिव थे, बेसिकली ही काइंड ऑफ डिसाइपल ऑफ दीज टू पर्सनैलिटी, ठीक है। सो ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। फिफ्थ देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कुड बी यूज बाई गवर्नमेंट टू कंट्रोल द सडन स्पाइक इन द फूड आइटम, यानी कि इन्फ्लेशन आ गई, बस टेम्प्रेरी बैन ऑन द एक्सपोर्ट, ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट जब बैन कर देंगे तो हमारा उस चीज़ की क्वांटिटी हमारे यहाँ ज़्यादा हो जाएगी, जैसे प्याज की, ठीक है। इम्पोजिशन ऑफ स्टॉक लिमिट ऑन एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ओके, हम होल्डिंग पे काम करेंगे, ठीक है। टेम्प्रेरी प्रोहिबिशन ऑफ इम्पोर्ट, नहीं,
इम्पोर्ट को क्या करेंगे हम रिलैक्स करेंगे, उसकी जो रिस्ट्रिक्शन है ना, उसकी जो रिस्ट्रिक्शन है ना उन पे क्या करेंगे, उनको हम बेसिकली रिलैक्स जो रिस्ट्रिक्शन है वो कम कर देंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि देखो एक्सपोर्ट पे तो हम प्रोविजन लगाते हैं बट इम्पोर्ट को हम रिलैक्स करते हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं इम्पोर्ट पे उनको भी कम करते हैं, बेसिकली टैरिफ ड्यूटी को भी कम कर देते हैं, ठीक। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.0 बेसिकली यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, देखिए 5 लाख पर फैमिली, 12 करोड़ फैमिली लगभग कवर हो गई, 40% पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया अंडर आयुष्मान योजना, ठीक है। सम स्टेट आल्सो कवरेज 100%, ओके। देखिए अवेयरनेस फैलाने के लिए प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र योजना, ठीक है, एंड आल्सो प्रोवाइड इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी। दिस इज अबाउट बेसिकली आयुष्मान स्कीम, जो फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए जो बेसिकली टेक्निकल पार्टनर जो क्या नाम, जो हमारा नेशनल MPI है, नेशनल MPI में OPHI एंड UNDP आर अ टेक्निकल पार्टनर, ठीक है। देखिए जो बेसिकली इंडिया के MPI उसमें 12 वेरिएबल्स हैं, जो ग्लोबल MPI उसमें 10 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो इस्टीमेट पॉवर्टी MPI नेशनल बेसिकली पॉवर्टी इस्टीमेशन में नहीं आता है, जो हमारा सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिसर है, स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो बेसिकली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन इसके अंदर ये बॉडी है, ये बेसिकली पॉवर्टी एस्टीमेट रिलीज करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेशनल MPI में, नेशनल MPI में देखिए हेल्थ में क्या क्या 3 वेरिएबल ट्रैक किए जाते हैं, न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टेलिटी एंड मैटरनल हेल्थ, ठीक है। एजुकेशन में देखिए ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल ऑफ अटेंडेंस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखिए, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर एंड बैंक अकाउंट। देखिए ये जो ये है ना बैंक अकाउंट, ये नया है, ठीक है, इसे ध्यान रखिए। बैंक अकाउंट जो नेशनल MPI है ना इंडिया वाला, उसमें हम कवर करते हैं, ठीक, जो नेशनल MPI इंडिया वाला, ठीक है, बैंक अकाउंट ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए ढींगरा बीकेम द कॉन्टैक्ट विद BD सावरकर एंड श्यामजी कृष्ण वर्मा इन लंदन, ठीक है। ही वॉज स्टडिंग ड्यू दैट टाइम, ही आल्सो मेंबर ऑफ सीक्रेट अभिनव भारत सोसाइटी, अभिनव भारत मंडल। वाइल स्टडिंग इंग्लैंड ही असैसिनेटेड विलियम हट कर्जन बायली इन ब्रिटिश ऑफिशियल, उसको इन्होंने किल कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गवर्नमेंट रिव्यू द प्राइस सिचुएशन रेगुलरली, ओके। सम कम्युनिटीज़ जैसे अभी रिसेंटली 2 and 3 months बिफोर टोमेटो का प्राइस बहुत ज़्यादा राइज हो गया था, ठीक है, 120 रुपये किलो, अब तो 30 रुपये किलो, समथिंग लाइक दैट। देखो तो हम क्या क्या चैनल्स अडॉप्ट करते हैं, बैनिंग द एक्सपोर्ट ऑफ इन्फ्लेटेड फूड आइटम, यानी कि जिन पे जो महंगे हैं उनके क्या करते हैं, क्या नाम, उनका एक्सपोर्ट कम कर देते हैं या बिल्कुल बंद कर देते हैं। इम्पोजिशन ऑफ स्टॉक लिमिट टू प्रिवेंट होल्डिंग को भी हम बंद करवा देते हैं, कोई होल्डिंग ना करे। ईजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट एंड फैसिलिटिंग इम्पोर्ट एट अ इंटरेस्टेड चेक पोस्ट, यानी कि टैरिफ को कम कर देते हैं जिससे क्या कम्युनिटी हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, यानी कि ये बेसिकली कार की सेफ्टी स्टैंडर्ड मेजर कैपेसिटी बिल्डिंग उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, ठीक, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स अ स्टार रेटिंग इंडिकेटिंग सेफ्टी इन द कार क्रैश, कितने 1 to 5 star, ठीक है, 1 to 5 star रेटिंग होती है। इट इज़ अ इंडिजिनियस प्रोग्राम विच इज़ नॉट मॉडल द ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, ये उसी पे मॉडल है, बेसिकली UK का मॉडल है, उस पे ये बेस्ट है, ठीक। आगे देखिए द प्रोग्राम इज मैंडेटरी टू ऑल कार सेगमेंट, नो इट्स नॉट मैंडेटरी, वैसे भी जब इतने हार्ड वाले वर्ड आ जाए मैंडेटरी कंपलसरी तो एकदम 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 आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि नहीं नहीं सच थिंग ये वाले ये हमेशा ही गलत होते हैं, ठीक है। तो इज ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेविगेशन एंड इंडियन कॉन्स्टलेशन, नेविक के बारे में है, ठीक है, जो इंडियन GPS द आधार इनरोल किट दैट यूज टू कलेक्ट एंड वेरीफाई पर्सनल डिटेल्स लिंक टू द नेविक विद इन इंडियन कॉन्स्टलेशन और नेविक, सही। बेसिकली देखिए ये 7 सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन है जो कि इंडिया
इंडिया को 15 इंडिया की टेरिटरी से 1500 किलोमीटर तक जीपीएस सुविधा प्रोवाइड कराता है। ठीक है, दो, एक डिफेंस वाली और एक सिविल यूज वाली। देखिए, NDMEA यूटिलाइजिंग नेविगेशन अलर्ट डिसमिनेशन सिस्टम फॉर मेजर नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, फ्लड एंड अवलांचेस, ये भी सही है। ठीक, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन इनक्वाइस रिलाई ऑन नेविक टू ब्रॉडकास्ट द साइक्लोन हाई वेव एंड सुनामी अलर्ट मैसेज, ये भी सही है। यानी कि ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। थर्ड देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अजू जू जेंथले कोरल, ये डिफरेंट टाइप, जैसे अजू जेंथले कोरल। ठीक है, अजू जू कोरल आर नॉन रीफ बैरियर सोलिट्री कोरल, यानी कि ये बैरियर एरियर नहीं बनाती हैं। ठीक है, जैसे तीन टाइप होती हैं, जैसे बैरियर रीफ, बैरियर एटॉल, दे ड्राइव मोस्ट ऑफ दिस दियर नरिशमेंट फ्रॉम सन, नहीं, ये क्या करते हैं, जो फाइटोप्लैंकटन होते हैं ना, फाइटोप्लैंकटन को खा के बेसिकली उन पे फीड करती हैं, नॉट आ दे नॉट मेकिंग दियर बेसिकली फूड फ्रॉम सन। ओके, दे आर आल्सो फाउंड इन द सैलो वाटर रीजन। हाँ ठीक है, सैलो वाटर में भी ज़्यादातर बेसिकली ये डीप वाटर में होती हैं, कितने 100 से 1000 मीटर, ठीक, इसके अंदर बेसिकली ये डीप वाटर जूजन कोरल्स होती हैं। तो ओनली टू स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोरल रीफ। ओके, अब कोरल रीफ के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली इन्वायरमेंट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है UPSC का, तो कोरल रीफ हो गए, मैंग्रोव फॉरेस्ट हो गए, इनसे क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी, परस्पेक्टिव, लोकेशन, हर चीज़ पता होनी चाहिए। कोरल रीफ आर कवर मोर देन 25% ऑफ द अर्थ, ये नहीं, 25% नहीं। ठीक है, कोरल रीफ हेल्प सब्सटेंस रिड्यूस द कोस्टल फ्लडिंग एंड इरोजन, ये सही है, बिकॉज दे एक्ट लाइक अ हेज, इंक्रीज ओशियन टेम्परेचर काज बेसिकली ग्लोबल ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, कैसे, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। ठीक, दो फिनोमेना के कारण सी सरफेस क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक, कॉज रीफ टू एक्सपेल द सिम्बायोटिक एल्गे रिस्पॉन्सिबल टू द कलर, यानी कि बेसिकली कोरल पॉलिप क्या होते हैं, मरीन पॉलिप होते हैं, वे बेसिकली जो जू जेंथले बेसिकली एल्गे होती है उसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, और जब वाटर टेम्परेचर अप हो जाता है सी सरफेस को, तो क्या करता है कोरल पॉलिप, उस जो फंगी होती है ना, उसको, जो एल्गे होता है, एल्गे उसको एक्सपेल कर देता है और डेड हो जाते हैं। ठीक, तो ओनली टू स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक, आगे देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी इज एक्सप्लिसिटली मेंशन अंडर RBI बैंक ऑफ एक्ट इंडिया एक्ट 1934, एकदम सही है, दिस इज मैंडेटरी ड्यूटी टू RBI रिगार्डिंग कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी विदाउट बरिंग अबाउट ग्रोथ, नहीं, ग्रोथ एंड प्राइस स्टेबिलिटी दोनों है, दिस इज करेक्ट, यानी कि जो मेन ड्यूटी है टू मेंटेनिंग बेसिकली प्राइस स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, दिस इज मेन ऑब्जेक्टिव। द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क ऑफ RBI आर नॉट अ स्टैचुरी, दे आर स्टैचुरी फ्रॉम 2016 से, जो मॉनेटरी पॉलिसी एक्ट आया था 2016 में। ठीक, सो ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट। अब थोड़ा रनिंग में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, कार मैन्युफैक्चरिंग कैन वॉलंटियर टू गेट अ स्टार रेटिंग द सेफ्टी ऑफ दियर मॉडल इन क्रैश अंडर द इंडिजिशन प्रोग्राम फॉर टेस्टिंग। देखिए, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम इज मॉडल ऑन द ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम प्रोजेक्टेड बाई टूवर्ड जीरो फाउंडेशन। ओके, अप्लीकेबल टू पैसेंजर व्हीकल नॉट मोर देन 8 सीटर, यानी कि 8 सीटर। ठीक है, 8 सीटर इन एडिशन टू द ड्राइवर सीट द ग्रॉस व्हीकल वेट नॉट, यानी कि 3500 वेट और 3500 kg वेट होना चाहिए और नॉट मोर देन 8 पैसेंजर, यानी कि सेव समथिंग लाइक दैट। देखो, Star 1 to 5 है, इवोल्यूशन के 3 पैरामीटर हैं, एडल्ट ऑक्यूपेशन प्रोटेक्शन, ठीक है, चाइल्ड ऑक्यूपेशन प्रोटेक्शन और सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो दिस इज गो थ्रू इट, लिटिल थोड़ा बहुत पैची इंफॉर्मेशन है वो आपको रिटेन करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेन देख लीजिए, नेविक, ये बेसिकली इंडियन जीबी, देखिए इंडियन मॉडल
जीपीएस सिस्टम है, 7 सैटेलाइट हैं, सून विल बी इंटीग्रेट टू आधार इनरोल्ड डिवाइस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड टोल पार्लियामेंट कमेटी। ठीक है, देखिए करंटली आधार इनरोल्ड किट दैट आर यूज टू कलेक्ट द वेरीफाई पर्सनल डिटेल्स आर लिंक टू जीपीएस। दो टाइप की सर्विस, नैबिक ऑफर टू टाइप सर्विस, स्टैंडर्ड पोजिशन सर्विस ओके फॉर सिविलियन एंड रिस्ट्रिक्टिव फॉर स्ट्रेटजिक और डिफेंस यूज। ठीक है, नैबिक कवर्स इंडिया इज अ रीजन अप टू 15 किलोमीटर। ठीक है, देखिए एनडीएमए बेसिकली यूज यूटिलाइजिंग नैबिक एज अलर्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर मेजर डिजास्टर लाइक लैंडस्लाइड्स अर्थक्वेक फ्लड एंड इनक्वाइसिस आल्सो यूज ब्रॉडकास्टिंग साइक्लोन लाइक साइक्लोन हाई वेव। यानी कि नैबिक और एनडीएमए दोनों बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट के अपने अपने रिस्ट्रक्चर ज्यूरिडिक्शन में बेसिकली नैबिक का यूज कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए बेसिकली जूजेंथले कोरल, बेसिकली ये कोरल क्या होते हैं ना, सोलिटरी कन्फाइनमेंट में होते हैं स्पेशली डीप वाटर लाइक अंडमान निकोबार आइसलैंड। ठीक है, ड्राइव द नरिशमेंट फ्रॉम द सन से ड्राइव नहीं करते हैं बट कैप्चरिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्लैंकटॉन्स, जो छोटे छोटे माइक्रो प्लैंकटॉन्स होते हैं ना उन पे ये फीड करते हैं। ठीक, डीप सी रिप्रेजेंट्स कितना, 200 मीटर से 1000 मीटर तक, आल्सो रिपोर्टेड इन सैलो कोस्टल एरिया, यानी कि सैलो कोस्टल एरिया में भी पाया जाते हैं। ठीक, आगे देखिए कोरल रीफ इसेंशली बिग लाइम स्टोन स्ट्रक्चर, बेसिकली क्या होता है CaCO3 के स्ट्रक्चर होते हैं कोरल, कैल्सकीरियस जियोमॉर्फोलॉजिक स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे देखिए इंक्रीज ओशियन टेम्परेचर आई एल्डी एक्सप्लेन क्लाइमेट चेंज मैन काज ऑफ द कोरल ब्लीचिंग, दैट्स व्हेन द रीफ एक्सपेल द सिम्बायोटिक रिलेशन एल्गे विद द मरीन पॉलिप, उस जो क्या कलर को प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि कलर फूड प्रोवाइड कराते हैं, और बेसिकली जो एल्गे होती है कलर एंड फूड प्रोवाइड कराती है, और जो मरीन पॉलिप होते हैं वो क्या करते हैं, वो शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं किसको, एल्गे को। ठीक, आगे देखिए कोरल रूफ कवर ऑन 0.5% ऑफ अर्थ नॉट एट 25% आस्क इन क्वेश्चन, 0.5% ओनली 0.5, दे आर सब्सटांसली रिड्यूस कोस्टल फ्लडिंग एंड इरोजन। ओके, नेक्स्ट देखिए आरबीआई वाला, आरबीआई इज अ वेस्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी अंडर द एक्ट आरबीआई 1934। ओके, ऑब्जेक्टिव देख लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी, प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग इन माइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, यानी कि प्राइस स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ टू आर ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई इन 2016 ईयरली एक्सप्लेन स्टैट्यूटरी बेसिस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन प्लस माइनस बेसिकली फोर इन्होंने टारगेट की, एक मिनट सॉरी, इन्होंने टारगेट किया फोर, ठीक है फोर टारगेट किया प्लस माइनस टू, ये है यानी कि 2016 से प्लस माइनस टू, यानी कि सिक्स तक हो सकती है इन्फ्लेशन, मैक्सिमम सिक्स और मिनिमम दो। ठीक है, तो इस तरीके से ये बेसिकली स्टैचुटरी बेसिस है, यानी कि इसमें अमेंड आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट हुआ, और अमेंडमेंट के बाद मॉनेटरी पॉलिसी को स्टैचुटरी बैकअप दिया गया। ठीक है, इट्स अ ड्यूटी ऑफ द बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी टू मेंटेन द इन्फ्लेशन इन दिस रेंज। ठीक है, तो दिस इज डिस्कशन ऑफ 10 क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो एंड माई चैनल, दैट विल give me more and more boost up to make good video. thank you very much.